नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फीफा फूज में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। सबसे पहले तो दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी की दिवाली मंगलमय हो। और आप सभी दर्शकों को बताऊंगा अब कि शो के मेकर्स किस तरीके से शो को हिट कराने के लिए चल रहे हैं एक ऐसी चाल जो कि है सबसे बड़ा पैंतरा। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मौजूद हूँ RHULBHOJ के नाम से, तो वहां पर मुझे फॉलो जरूर करें। दोस्तों, बिग बॉस के घर में क्या हो रहा है आइए बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों, तो बिग बॉस के घर में मेकर्स TRP को बटोरने के लिए, शो को सुपर डुपर हिट बनाने के लिए अब कर रहे हैं एक सबसे बड़ा अनोखा काम। और वो काम है दोस्तों कि नए वाइल्ड कार्ड कंटेंडर्स घर में आएंगे। जी हाँ, आपको बताना चाहता हूँ कि जहां पर नेहा और राकेश की हुई है सुपर डुपर एंट्री, वहीं साथ ही साथ अब दोस्तों यहां पर नेहा राकेश के बाद अब घर में कुछ और वाइल्ड कार्ड्स की एंट्री आ रही है। जी हाँ, सेट पर से आई है बड़ी खबर, जहां पर इंटरनल सोर्सेज की तरफ से बातें समझ में आ रही है, पता चल रही है कि अब बिग बॉस के घर में होगा बवाल जब घर के अंदर आएंगी नई वाइल्ड कार्ड एंट्री। जैसे मैं देखता, इंटरेस्टिंग रहेगा कि कौन वाइल्ड कार्ड एंट्री है। कुछ कुछ ये कह रहे हैं कि कुछ यूट्यूबर्स आने वाले हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि टेलीविजन एक्टर्स हैं जो कि पहले की लिस्ट में थे बट रिजेक्ट हो गए। ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन आएगा बिग बॉस के घर में। लेकिन नेहा और राकेश दोनों ही घर में आ चुके हैं और अपना अपना गेम उन्होंने शुरू कर दिया है। घर वालों को अब देखना जबरदस्त रहेगा कि वो किस तरीके से टैकल करते हैं नेहा और साथ ही साथ यू नो राकेश को। आप लोगों को क्या है कहना इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूज। मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, नमस्ते।